फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगाचरी। मेरा नाम है जसविंदर और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि खास तौर पे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और बुज़ुर्गों के लिए भी है। तो इसमें आज हम आपको दिखाएंगे एक बिगिनर्स बो, वो भी ट्रेडिशनल डिज़ाइन में। तो दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ये है वो बिगिनर्स बो, बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी, यानी कि 4 साल का बच्चा भी इसे यूज कर सकता है और 84 साल का बुजुर्ग भी इसे यूज कर सकता है। ये इतना आसान है इसको यूज करना और बहुत ही बढ़िया मटेरियल का बना हुआ है, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है ये, और इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। ये देखिए, यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रिज दिए हुए हैं, प्रॉपर एक टर्किश डिजाइन में बनाया गया ये, और ये पूरा सिंगल पीस है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको ब्रेस करते हैं। दोस्तों इसको ब्रेस करना भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये हमने इसको लगाया, इसका दोस्तों जो स्ट्रिंग है वो 14 स्ट्रैंड्स का है और ये बड़ी ही आसानी से और बढ़िया तरीके से ये ब्रेस हो गया। ये देखिए, ये अब इसने अपनी शेप ले ली है, प्रॉपर एक टर्किश डिजाइन है, पूरी शेप इसकी वैसी ही बनी हुई है। देखिए, वेरी सिंपल, एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। इसे देखकर मुझे जो ET4 है, मैंग युआन वो, उसकी थोड़ी याद आ जाती है, लेकिन ये टर्किश डिजाइन है। दोस्तों ये जो वो है, ये ब्रेस होने के बाद इसकी जो ब्रेस हाइट हो जाती है, ये हो जाती है 7.8 इंचेस की, और ये इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो इसकी हो जाती है 42 इंचेस की। इसलिए ये छोटे होने के कारण छोटे बच्चे इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको पकड़ सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दोस्तों बात करते हैं इसके हैंडल की, इसकी ग्रिप साइड की। आप देखेंगे इसका ग्रिप बहुत ही पतला है, मेरे हाथ में देखिए कैसे आ रहा है, मैं यहाँ तक पकड़ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों की हथेली वो ग्रिप जो छोटी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही उसी को सोचकर बनाया गया है और बहुत ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसे पकड़ने में सॉफ्ट हो, कहीं पर कोई चुभन किसी तरीके की नहीं होती, और ये बहुत ही बढ़िया आपको फील देता है, आपका ग्रिप इस पर बहुत अच्छा हो जाता है। हम बच्चे जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर आपको आपका हाथ बड़ा है तो आप इसके ऊपर आप कुछ लेदर या कपड़ा या कुछ इस तरीके से लगाकर अपने ग्रिप साइज के हिसाब से इसको बना भी सकते हैं। और क्योंकि ये पार्ट बहुत इसका स्लीक है और बहुत पतला है, तो यहाँ से जब हम इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा हमें टारगेट का व्यू मिलता है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से तीर जाता है और एक्यूरेसी लेवल इसका बढ़िया है। ज़्यादा दूर के टारगेट आप इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको करीबन 5 या 10 फुट के टारगेट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये बढ़िया परफॉर्म करता है। इसके अलावा रिकमेंडेड है कि इस पे लाइट वेट एरोज ही यूज़ किए जाएं, हैवी ये यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये वैसे भी इसके साथ मैच नहीं करते, हैवी एरोज तो मैच करेंगे नहीं, इसलिए आपको लाइट वेट एरोज जो 18 ग्राम के या 15 ग्राम के, वो आप यूज़ करें, बढ़िया रहेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं, बड़ा ही स्मूथ ड्रॉ है इसका, देखिए बहुत स्मूथ ड्रॉ है, कोई दिक्कत नहीं, एफर्टलेस ड्रॉ, ताकि इसे एक छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सके और बड़े तो कर ही सकते हैं। दोस्तों बुज़ुर्ग और बच्चे तो इसे यूज़ कर ही सकते हैं, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनके बाजू में तकलीफ़ हो, जैसे इस वक्त मेरे बाजू में तकलीफ़ है टेनिस एल्बो, और इसको हम मैं एफर्टलेस तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ और अपने पैशन को मैं जी सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना वेट है ही नहीं कि मेरे बाजू पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका, चाहे मैं इसको एक उंगली से खींच लूँ, चाहे इसको 2-3 उंगली से खींचूँ, 4 उंगली से खींचूँ, कोई दिक्कत नहीं। 28 इंचज़ के ड्रॉ पर ये 7 LBS की पावर देता है, और हम 34 इंच तक खींच सकते हैं, 34 इंच में ये हमें 14.5 LBS की पावर देता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास एक कार्बन एरो है,
ये 34 इंचेस का है और ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इस पे आप इसको इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बड़े आराम से इसको 34 इंच तक खींच पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको खाली चिल्ड्रंस बो नहीं कहूँगा, इसे मैं मल्टीपर्पस बो कहूँगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम दोस्तों, इसका नाम है रामा, इस मॉडल का नाम है रामा। और इसके साथ ही एक और मॉडल आता है, वो है रामा प्लस। और इस ये प्रोडक्ट है ऑटोमन आर्चरी टर्की का, ये टर्की से हमने इम्पोर्ट किया है इसे। इसी तरीके से अब दोस्तों ये है इसी का बड़ा भाई, दोस्तों ये है रामा प्लस, इसका नाम है रामा प्लस। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसके ऊपर कवरिंग दे रखी है लेदर की, या आप इसे आर्टिफिशियल लेदर कहें या प्योर लेदर कहें, पर ये इस पर कवरिंग है। कवरिंग देने से इस पर कुछ लुक इसका चेंज हो जाता है, और जो लोग पसंद करते हैं थोड़ा बढ़िया लुक, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जिन्हें सिंपल चीज़ें चाहिए वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसे चाहे तो वो अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पर अगर आप ड्राइंग पेंटिंग या कुछ आप इसके ऊपर चिपकाना चाहें, अपने हिसाब से बनाना चाहें, तो आप कर सकते हैं। देखने में एलिगेंट बोज हैं, टर्किश डिज़ाइन है। जिन अभी तक जो लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चों को अगर हम ट्रेडिशनल आर्चरी में लेकर जाएं तो उनको ट्रेडिशनल बो किस तरीके का लेकर दें, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बढ़िया ऑप्शन है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। बढ़िया बो है ये, और कोई दिक्कत नहीं बच्चों के लिए, कोई इतनी जल्दी जिस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहें इसको कर सकते हैं। रफ टफ है, इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कीमत भी इतनी नहीं है, बजट बो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ये करीबन आपको 1800 रुपये का पड़ेगा, और ये आपको इसका जो प्राइस है ये 1000 रुपये ज़्यादा, इससे महंगा है, ये आपको 2800 रुपये तक का पड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये लेदर और उस हिसाब से जो लगा हुआ है। अदरवाइज इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, चलने में इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे चाहे बच्चों के लिए लें, चाहे आप बुज़ुर्गों के लिए लें, चाहे महिलाओं के लिए लें, चाहे आप खुद इस्तेमाल करना चाहें, आप इसे कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, जिन लोगों को हॉर्स बो या टर्किश बो इस्तेमाल करना है पहली बार, वो इसको एज अ बिगिनर्स बो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस वो इसमें अपना जो फॉर्म है और जो ड्रॉ टेक्निक्स हैं वो बड़े आराम से इस धनुष से सीख सकते हैं, मतलब कि ये लर्नर्स बो भी है। तो दोस्तों एक कम बजट में अगर आपको एक शुरुआत करनी है तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारे हौसला अफजाई होती है। दोस्तों तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून टू सिंह आर्चरी, आपको और भी बढ़िया मैं आपको वीडियोस आपके सामने पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।